अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आज मैं आप लोगों को बनाना सिखा रही हूँ वाइट सॉस चिकन बॉक्स पेटीज। इसके लिए हमें जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे वो आप नोट डाउन कर लें। मिल्क 3/4 कप, मिल्क, चिकन स्टॉक 1/4 कप, वाइट पेपर 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1/4 टीस्पून, गार्लिक पाउडर 1/2 टीस्पून, मिक्स्ड हर्ब्स 1/2 टीस्पून, बटर 1 टेबल स्पून, मैदा 1 टेबल स्पून, सॉल्ट 1/4 टीस्पून, कैप्सिकम चॉप करके लिए मैंने 1/4 कप, ये मैंने 2 टेबल स्पून अनियन भी लिए। मैंने पैन ले लिया है, अब मैं इस पे ऐड करूंगी बटर 1 टेबल स्पून, बटर जब मेल्ट हो जाएगा तो मैं इसके अंदर जो है जो मैंने अनियन चॉप करके लिए 2 टेबल स्पून मैं इसमें वो ऐड कर दूंगी। अगर आपको बटर थोड़ा बढ़ाना हो तो आप बढ़ा सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा नहीं, 1 से सिर्फ 2 टेबल स्पून कर सकते हैं आप। अनियन को हम हल्का सा फ्राई करेंगे, बिल्कुल हल्का सा फ्राई करने के बाद मैं इसके अंदर जो है मैदा ऐड कर दूंगी। मैदा ऐड कर रही हूँ इसमें मैं, मैदा डाल के अच्छे से भून लीजिएगा इसको। जब मैदा भून जाएगा अच्छे से तो इसके बाद मैं इसमें मिल्क ऐड कर दूंगी। जिस टाइम हम मिल्क ऐड कर रहे होंगे उस टाइम पे आप अपना चूल्हा जो है हल्का कर दीजिएगा उसकी आंच। मैदा भून गया है, इसमें से अच्छी सी फ्रेग्रेंस आ रही है मैदे की भून जाने के बाद की। अब मैं इसमें जो है दूध ऐड कर रही हूँ। ये मैंने इसमें दूध ऐड कर दिया है। अब दूध ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर जो है जो मैंने चिकन स्टॉक रखा हुआ था वो ऐड करूँगी इसके अंदर। तो मैं इसमें चिकन स्टॉक ऐड कर रही हूँ। चिकन स्टॉक भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1-2 मिनट इसको कुक करने के बाद हल्के चूल्हे पे ही, वरना ये फौरन से गाढ़ी हो जाएगी सॉस। हमें बहुत ज़्यादा थिक नहीं करनी है ये सॉस, बस ये हल्के 1-2 मिनट के लिए मैंने इसे कुक किया है। मैं इसके अंदर अपने इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट 1/4 टीस्पून, वाइट पेपर 1/2 टीस्पून, गार्लिक पाउडर, ब्लैक पेपर, मिक्स्ड हर्ब्स, ये सब ऐड कर दिया है मैंने। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जैसे ही ये थोड़ी सी थिक होना शुरू होगी ना मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। बहुत ज़्यादा थिक नहीं करूँगी मैं इसको, क्योंकि जो है अभी हमें चिकन की फिलिंग बनानी है जो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। अब इस स्टेज के ऊपर ये थोड़ी थिकनेस पे आ रही है, मैं इसके अंदर कैप्सिकम जो मैंने रखी थी वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। मैंने कैप्सिकम ऐड कर दिए इसमें। जो आप देख सकते हैं सॉस हमारी रेडी हो गई है। मैंने बहुत ज़्यादा थिक नहीं करी है, आप चेक कर लें, बहुत थिक नहीं है ये। पहले मैं चिकन की फिलिंग बना के इसमें ऐड करूँगी। अगर मुझे लगेगा ये अभी भी पतली है तो मैं इसको थोड़ी देर और कुक कर लूँगी चूल्हे पे। अभी मैं इसको थिक नहीं करूँगी क्योंकि वाइट सॉस रखे रखे भी थोड़ी थिक हो जाती है। अब मैं जो हूँ चूल्हा बंद कर रही हूँ, उसको रिमूव करने के बाद हम चलते हैं अपनी चिकन फिलिंग की तरफ। ये चिकन के इन्ग्रीडियंट्स हैं जो मैंने लिए हैं। ये मैंने बोनलेस चिकन ली थी, 220 ग्राम्स थी। इसको मैंने अच्छे से बॉयल करके श्रेड कर लिया है। उसके अलावा हम लेंगे
हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून मस्टर्ड पेस्ट, हाफ टेबल स्पून सोया सॉस। ये पूरे इंग्रेडिएंट्स हम एक साथ मिक्स कर लेंगे और फिर इसके बाद मैं इसको वाइट सॉस जो मैंने रेडी करी थी उसके अंदर ऐड कर दूंगी। ये मैंने मिक्सिंग बोल ले लिया है, मैं इसमें चिकन ऐड कर रही हूँ। चिकन मैंने इसमें ऐड कर दिए। चिकन ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ, इसमें सोया सॉस ऐड कर रही हूँ, अब मैं इसमें मस्टर्ड पेस्ट भी ऐड कर। मैं इसको सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये सब जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा इसके बाद हम इसको वाइट सॉस में ऐड कर देंगे। इसमें आप अगर कोई और वेजिटेबल भी ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं चिकन के साथ ही, लाइक आप इसके अंदर कैरेट्स कट करके ऐड कर सकते हैं और इसके अंदर आप कैबेज भी ऐड कर सकते हैं कट करके, स्प्रिंग अनियंस भी ऐड कर सकते हैं, ये सब ऑप्शनल है। चिकन मिक्सचर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। चिकन मैं आपको फिर बता रही हूँ, ये मैंने 200 ग्राम्स चिकन ली थी और मैंने इसको बॉईल करके श्रेड किया है। ये देखिए वाइट सॉस मैंने इस वजह से इतनी ज़्यादा थिक नहीं की थी, इसमें जाके बिल्कुल सही से एडजस्ट हो गई है। अगर मैं बहुत ज़्यादा थिक कर लेती तो ये बहुत ज़्यादा इसका बैटर जो है थिक थिक हो जाता। इस स्टेज के ऊपर मैं इसका सॉल्ट चेक करूँगी, अगर मुझे लगेगा इसमें नमक कम है तो हम इसके अंदर 1/4 टीस्पून और ऐड कर देंगे नमक। अगर आप चाहें तो इसमें चाइनीज़ सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं। नमक मुझे सही लग रहा है इसलिए मैं नमक इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। अब हम आपको बताते हैं कि आपको इसकी फिलिंग तो रेडी हो चुकी है, आपको कैसे बनाने हैं। ये मैंने समोसे की जो पट्टियाँ आती हैं मैंने वो ली थी, ये वो हैं समोसे की पट्टियाँ हैं। ये मैंने थोड़ा सा मैदा जो है पानी में घोल के ये मैंने रख लिया है, इससे हम अपनी पट्टियों को स्टिक करेंगे। सबसे पहले हम एक पट्टी लेंगे समोसे की, उसके बाद हम इस पर थोड़ा सा बिल्कुल मैदा जो मैंने रखा था बना के मिक्सचर वो लगाएंगे। उसके बाद हम इस पर जो है एक और पट्टी जो है वो रख देंगे। ये दूसरी पट्टी भी मैंने इस पर रख दी है। इसके बाद मैं इस पर अपनी चिकन की फिलिंग लगाऊंगी। अगर आपको चीज़ लगानी है तो आप इसमें चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, इसके ऊपर ही आप चीज़ ऐड कर देंगे। मैं इसे वाइट सॉस वाले बना रही हूँ तो मैं इसमें चीज़ ऐड नहीं कर रही हूँ। उसके बाद हम इसको फोल्ड करेंगे पहले एक साइड से। ये स्ट्रिप्स जो हैं मेरी थोड़ी बड़ी हैं, मैं नेक्स्ट स्ट्रिप में जो बनाऊंगी मैं थोड़ा सा कट कर लूंगी उसको। अब ये जो एक्स्ट्रा साइज एक्स्ट्रा है इसके अंदर समोसे की पट्टी, ये मैं कट कर लूंगी। इसके आप चारों साइड्स चेक कर लीजिए कहीं से भी ये खुला ना रहे, वरना जो है जब हम फ्राई करेंगे तो उसमें सारी फिलिंग निकल जाएगी। इसी मेथड से हम सारे बॉक्स पेटीज रेडी कर लेंगे। ये देखें आप, मैंने सब उसी मेथड से बाकी के अपने बॉक्स पेटीज रेडी कर लिए हैं। ये हमारे बॉक्स पेटीज रेडी हो गए हैं, अब मैं इसको बस फ्राई करूँगी और जो है इसको सर्व करूँगी। आप लोग इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, एक महीने के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा हमारी ये रेसिपी और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।